पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये कहावत हर कोई अपने माँ बाप, अपने टीचर, अपने प्रोफेसर के पास एक बार ना एक बार अपने लाइफ में जरूर सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, द स्काई शो के मूवीज एंड वेब सीरीज रिव्यू में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ छलांग मूवी की हॉनेस्ट रिव्यू। लेकिन उसके पहले दोस्तों, द स्काई शो के पूरे टीम के तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को शुभ दीपावली। आशा करेंगे हम कि जो आने वाली 2021 की दिवाली है, तब तक हम इस कोरोना वार को ओवरकम कर सके और फिर से एक बैक टू नॉर्मल लाइफ पे जा सके। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो आगे जाके पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हो और हमें कमेंट करके बता सकते हो कि किन मूवीज के ऊपर आप हमारी हॉनेस्ट रिव्यू चाहते हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो पे आगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर से। नाम है इनका हंसल मेहता। हाल फिलहाल में आप उनका नाम जरूर सुने होंगे अगर आप स्कैम सीरीज देखे होंगे। बहुत ही चर्चित रही है सीरीज, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके जरूर देखिए। सोनी लिव में आपको ये सीरीज जरूर मिलेगा। और इन्होंने डायरेक्ट किए हैं कुछ और भी बहुत फेमस मूवीज जैसे सिटी ऑफ लाइट्स, ओमरेटा और अलीगढ़। और प्रोड्यूसर्स की बात करूं दोस्तों, तो ये मूवी को चार प्रोड्यूसर ने मिलकर एक साथ प्रोड्यूस किया है। सबसे पहले आ जाते हैं लव रंजन, दूसरे में आ जाते हैं अजय देवगन, तीसरे में आ जाते हैं अंकुर गर्ग और चौथे में आ जाते हैं हमारे भूषण कुमार। तो बात करूं दोस्तों इस मूवी के लीडिंग मेल कैरेक्टर के बारे में, जो कि है हमारे राजकुमार राव उल्फ मॉन्टू, जो इस मूवी में एक पीटी टीचर का रोल निभा रहे हैं। और बात करूं दोस्तों इस मूवी के लीडिंग फीमेल कैरेक्टर के बारे में, जो कि है नुसरत भारूचा उल्फ नीलिमा, जिनको आपने प्यार का पंचनामा पार्ट वन पार्ट टू में जरूर देखा होगा। और थर्ड में आ जाते हैं दोस्तों हमारे और एक लीडिंग मेल कैरेक्टर जिशान अयाब उल्फ सिंह जी, जिनको आपने फेमस मूवीज जैसे आर्टिकल 15 और रईस में जरूर देखा होगा। और साथ ही में दोस्तों कुछ फेमस सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इस मूवी में, जैसे सतीश कौशिक, सौरभ शुक्ला और राजीव गुप्ता। बात करूं दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो ये पिक्चर एक मैसेज के साथ आई है कि हमारे क्लासरूम एडुकेशन के साथ ही साथ हमारा जो फील्ड एडुकेशन है या फिर जो फिजिकल एडुकेशन है, एक्सरसाइज वगैरह जितना भी हम करते हैं, वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दोस्तों इस मूवी में वैसा कोई थ्रिलर या फिर सस्पेंस वाला पार्ट है नहीं, सीधा सपाट सा मूवी है। यहाँ शुरू होता है, यहाँ खत्म हो जाता है, कुछ वैसे वैसे वाला सीन तो मुझे दिखा नहीं। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा इसका, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो ब्यूटीफुल सा मैसेज है, ये कहीं छुप गया है हमारे इंडियन सिस्टम के लव स्टोरी एंगल के वजह से। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आप एक अच्छी पिक्चर बना रहे हो, एक अच्छा मैसेज देना चाहते हो, तब ये झूठ का प्यार, मोहब्बत, लव स्टोरी, इसके वजह से जो मेन थीम होता है वो कहीं छुप जाता है। जो पिक्चर 2 घंटे की 3 घंटे की होती है, जो भी हम इंजॉय करते हैं, वो जो मैसेज वाला पार्ट होता है या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो कहीं साइड में हिडन हो जाता है। और पिक्चर में हमें देखने को क्या मिलता है, एक हीरो, एक हीरोइन, हीरो हीरोइन के पीछे भागता है और एक विलन आता है और लास्ट में हीरो जीत जाता है और हीरोइन को लेकर चल जाता है। फेमस स्पोर्ट्स मूवीज जैसे दंगल अगर आपने देखा होगा, वहाँ कैसे लव स्टोरी को साइड में रखा जाता है और मूवी का जो मेन थीम या फिर मेन मैसेज है उसी में फोकस किया जाता है। और हमें बताया जाता है कि अगर आप कोई भी जेंडर के हो, कोई भी गांव से बिलोंग करते हो, कोई भी कास्ट हो, अगर आप में पोटेंशियल है तो आप उसको अचीव कर सकते हो। तो एक प्रीमियम क्वालिटी की मूवी बनाने के लिए, जिसमें आप एक क्लियर कट मैसेज देना चाहते हो पब्लिक को, वैसी मूवी के लिए आपको लव स्टोरी को साइड में रखना पड़ेगा। तो इसके बारे में बॉलीवुड को जरूर सोचना चाहिए। तो एक्टिंग की बात करें दोस्तों, तो चाहे लीडिंग कैरेक्टर्स हो, चाहे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हो, चाहे पिक्चर में बच्चे वगैरह हो, सभी ने अच्छे एक्टिंग की है। एक हरियाणा जो कल्चर है उसको दिखाया गया है, एक फीमेल एंगल भी दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की कबड्डी में सबको, सारे लड़कों को एक साथ हरा देती है, डिफीट कर देती है। तो वो एक मैसेज दिया गया है कि लड़की किसी से कम नहीं है। ये सारे छोटे छोटे मैसेज साथ एक कंबाइन करती है, मतलब एक फिजिकल एडुकेशन वाला या फिर स्पोर्ट्स वाला मैसेज मूवी में देने का कोशिश किया गया है। तो पिक्चर के लास्ट 30 मिनट्स में हमें एक मैसेज दिया जाता है कि कैसे फिजिकल एडुकेशन इंपॉर्टेंट है हमें फिट रखने के लिए, कैसे जो नॉर्मल बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जो ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, वो ओलंपिक्स की भी तैयारी कर सकते हैं। अपने आप को फिट रखिए, कैसे स्कूल में जो बेसिक स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कबड्डी हो गया, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कैसे आप खेल सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं, ये सारा बेसिक सा मैसेज मूवी में देने का
का कोशिश किया गया है। तो Amazon Prime ने दोस्तों इसे 13+ रखा है, फैमिली पिक्चर है, आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। दिवाली के टाइम में वैसे कोई पिक्चर अभी आई नहीं है, एक तो लक्ष्मी बॉम्ब आई है जो कि फ्लॉप हो गई है, दूसरे तरफ लूडो है जो कि कुछ उसमें थोड़ा सा मतलब फैमिली के साथ देखने वाला है नहीं, कुछ वैसे इंटीमेट सीन्स है। तो ये पिक्चर दोस्तों टिपिकल फैमिली मूवी है, अच्छी सी मैसेज है, लव स्टोरी है, अपने दिवाली के टाइम में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ, दोस्तों के साथ जाके मिलके एंजॉय कीजिए, देखिए ये पिक्चर। द स्काई शो के हॉनेस्ट रिव्यूज ऑन वेब सीरीज एंड मूवीज पे आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर करना, और यार दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हो जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि क्या खामियां हैं, क्या इंप्रूव करना है हमें, कौन सी नई मूवी या फिर वेब सीरीज की रिव्यू आप देखना चाहते हो, कैसा लगा ये वीडियो, हर चीज हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम कोई नई मूवी या फिर वेब सीरीज के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ ग्रेट डे।